नमस्कार, डिलीशियस लड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कटहल की ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसे खाकर सबका मन खुश हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें स्मोक मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था। मैं उसमें सब्जी बनाऊंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें, उसे गर्म कर लें। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं डालूंगी इसमें एक बड़ी इलायची, एक तेजपात, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, एक छोटी इलायची, जो इलायची है ना उनका मुँह खोल के डालें, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। पहले इन सब चीज़ों को चला दें, जीरा अच्छे से फूल जाए और सबका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मैंने ली थी 2 प्याज, जिनको चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्याज को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब प्याज अच्छे से हो जाए और जल्दी से हो जाए, मैं अभी से नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप स्वाद अनुसार डालें और प्याज को अच्छे से भूनने, सुनहरा होने तक। ये देखिए, जो प्याज है हमारी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही मैं 2 सूखी लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए, 1 मिनट तक इनको भी हमने भून लिया है। अब इसमें मैं 2 टमाटर को मिक्सी में पीस कर डाल रही हूँ। अब इसके साथ ही हम डालेंगे कुछ और मसाले। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। ये कमती की वाली लाल मिर्ची है, मैंने उसका यूज किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। आप चाहे तो किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं इसमें हल्दी भी डाल दूंगी। मैं 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अब इन सब चीजों को मिक्स करते हुए हमने पका लेना है ऑयल सेपरेट होने तक। देखिए, सब चीजें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और बाकी की तैयारी करेंगे। मैंने ले लिया कटहल। वैसे तो मैंने 1 किलो के करीब कटहल लिया है और ये छोटे वाला कटहल लिया है, क्योंकि जो इसके बीज होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं। और आप अगर आपके पास बड़े वाला कटहल हो ना, तो कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगी उसको भी कैसे बनाना है। अब ये छीलने के बाद हमारे पास जो कटहल है ना, वो हमारे पास बचा है 650 ग्राम। इसको हमने सरसों का तेल हाथों पर लगाकर, चक्कू पर लगाकर, क्योंकि इसमें चिपचिपापन होता है ना, तब काटा है। अब हम ले लेंगे कुकर, गैस ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे 2-2.5 ग्लास के करीब पानी। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें नमक डाल रहे हैं। अब इसमें हमने सारे कटहल को डाल देना है। और मैंने लिए हैं 2 छोटे साइज के आलू। इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। मेरे पास छोटे साइज के आलू थे, मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज का हो तो आप 1 भी ले सकते हैं। इसको भी इसके साथ ही हम डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई मीडियम फ्लेम पर 2 विसल लगाएंगे। कुकर को बिल्कुल ठंडा करके खोलेंगे। हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर आपके पास बड़े वाला कटहल है उसको 3 से 4 विसल लगेंगी। देखिए, कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हम कटहल को चेक करेंगे कि अच्छे से गल गया। ये देखिए, जो कटहल है अच्छे से गल गया है, इसका बीज भी अच्छे से गल चुका है। अब इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। इसके पानी को हमने फेंकना नहीं है, आलूओं को अलग करना है, कटहल को अलग कर देंगे। देखिए, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, जिसे हम छू सकते हैं। देखिए, हाथों से ही बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। मैं तो इसे हाथों से ही मैश करूंगी, इसके बीज को और कटहल को। आप चाहे तो मैशर से भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैश हो गया है। अब जो आलू थे उनको भी छीलने के बाद हमने कद्दूकस कर लिया है, वो डाल रही हूँ। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची, ये तेज वाली है थोड़ी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। 2 चुटकी के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। हींग और अजवाइन स्वाद के साथ साथ ना डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मैंने लिया बेसन, मैंने अभी 1 कप बेसन लिया है।
पहले मैं आधा डाल रही हूँ। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कटहल में पानी होता है। अच्छे से पहले मिक्स कर लें। देखिए आधा बेसन डाल के हमने मिक्स कर लिया। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। अब जो बाकी बचा हुआ बेसन है ना वो भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमने उबाला है ना कटहल उसमें पानी है। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और आराम से बाइंड हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। मैं इसको इसी ढंग से बनाऊंगी। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें थोड़ी सी दूरी बनाते हुए ना इसको डालती जाऊंगी, इन कोफ्तों को। जितने आराम से एक बारी कढ़ाई में आ गए हैं कोफ्ते मैंने उतने डाल दिए हैं, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा हैं, दो बारी होंगे। और एकदम से इसको छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा इसे नीचे से सिकने देना है। उसके बाद इसको हम पलटेंगे, अच्छा सा करारा होने तक ना फ्राई करेंगे। देखिए ये सारे फ्राई हो गए हैं जितने हमने कढ़ाई में डाले थे, और बहुत अच्छे से हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया। इसे करने में 3 से 4 मिनट लग गया, बिल्कुल कुछ कुतरे हैं। देखिए हमने सारे कोफ्तों को ना फ्राई करके निकाल लिया है, लेकिन मीडियम गैस पर करना है, हाई पे नहीं। हमने मसाले वाली गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची जिसको मैंने छोटा छोटा काटा है। देखिए मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, क्योंकि जो टमाटर थे ना वो कम खट्टे वाले थे मेरे पास, मैंने इसलिए अमचूर का यूज़ किया है। पहले थोड़ा सा मिक्स कर दें। अब डाल देंगे इसमें पानी, मैं वही वाला पानी यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने कटहल को उबाला था। अच्छे से मिक्स करते हुए तेज गैस पर पहले एक उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आ गया, अब इन कटहल के कोफ्तों को इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने जो आलू डाला है ना इससे बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे, अंदर तक सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि कभी कभी बेसन कम ज़्यादा हो जाता है और इसका स्वाद भी बढ़ेगा। अब गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जो कोफ्तों में अच्छे से तरी समा जाए। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप एक बार इस तरीके से भी ना कटहल के कोफ्तों की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।